मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके लिए बहुत सिंपल और मज़ेदार किस्म की पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। बेसन वाले आलू, बैंगन और सब्ज़ मिर्चे बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, नमक 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून और अनार दाना पिसा हुआ 1.5 टीस्पून लिया है। पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि इसका जो बैटर है वो ना ही ज़्यादा थिक रहे और ना ही ज़्यादा थिन रहे। हमने ऐसा बैटर तैयार करना है जिसमें अच्छे से आलू बैंगन डिप हो जाएं। सबसे पहले बेसन में ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, पानी भी मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इस किस्म का इसका बैटर तैयार करना है। बैटर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम सब्ज़ मिर्चों के बीज निकाल लेते हैं। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और दरमियान से इस तरह कट निकाल के सबके मैं बीज निकाल लूँगी, ताकि फिलिंग करने में हमें आसानी हो जाए। मिर्चें मैंने पहले ही धो ली हैं और इस तरह से आपने सारी मिर्चों के बीज निकाल लेने हैं। फिलिंग करने के लिए मैंने अनारदाना लिया है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना लिया है और 2 चुटकियां हमने नमक की लेनी है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक एक करके सब्ज़ मिर्चों में मैं फिल कर दूंगी। अब आप देखें, इस तरह से हम सब्ज़ मिर्चें सारी फिल कर देंगे और फिल करने के बाद ये साइड से दबा देंगे। चारों मिर्चें मैं फिल कर चुकी हूँ। अब हमारी सब्ज़ मिर्चें, आलू और बैंगन बिल्कुल तैयार हैं फ्राई करने के लिए। आलू और बैंगन को मैंने इस तरह से सर्कल में काट लिया है और बैंगन के ऊपर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है। घी मैंने गर्म कर लिया है, फ्लेम मीडियम है हमारी। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले सब्ज़ मिर्चों को फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका कलर गोल्डन होगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक साइड इसकी गोल्डन हो गई है, अब इसकी दूसरी साइड गोल्डन होगी तो हम निकाल लेंगे। मिर्चें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम आलू को फ्राई करेंगे। इसी तरह से आपने एक एक करके आलू को बेसन में डिप करना है और फ्राई करते जाना है। जैसे ही इनकी एक साइड गोल्डन ब्राउन होगी, इसकी साइड टर्न कर देनी है। एक साइड इसकी हो गई है, अब दूसरी साइड का हम गोल्डन करेंगे। यह आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड का कलर गोल्डन हो चुका है। हमारे आलू भी बिल्कुल तैयार हैं। अब हम आलू को निकाल लेंगे। इसी तरह से बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके मैं बैंगन को डिप करूंगी और इनकी जब साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी दोनों, तो हम निकाल लेंगे और हमारे बैंगन भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड इनका कलर चेंज हो चुका है, अब दूसरी साइड का भी हम कलर चेंज करेंगे। दोनों साइडों में प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। हमारे बैंगन भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन तीनों चीज़ों को डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से हमारे पकोड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी तो आपको बहुत ईजी और सिंपल लगी होगी और जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी।
अब हम मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।